हेलो दोस्तों, अलग सी एनसी कैट के में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अमरिजमल। दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक है माइक्रोमीटर देखना सीखे। माइक्रोमीटर कैसे देखते हैं, माइक्रोमीटर का टॉलरेंस क्या होता है और वर्नियर का टॉलरेंस क्या होता है, तो हम आज जान रहे हैं माइक्रोमीटर देखना सीखे, माइक्रोमीटर कैसे देखते हैं। ये मेरे पास एक माइक्रोमीटर है 25 से 50 का। ये देखो, ये माइक्रोमीटर है। हम स्टडी करेंगे आज माइक्रोमीटर के ऊपर, इसको देखते कैसे हैं, इसका यूज कहाँ पे होता है। जब हम कोई बैरिंग साइज बनाते हैं, 20 का बैरिंग हो, 30 का बैरिंग हो या 40 का बैरिंग हो, जो सापट होता है जिसपे हम बैरिंग लगाते हैं, तो उसको हम माइक्रोमीटर से बनाते हैं, उसको वर्नियर से नहीं बनाते हैं। वर्नियर से एक्यूरेट साइज नहीं बनता है। माइक्रोन में अगर आपको साइज बनाना है तो आपको माइक्रोमीटर का यूज करना पड़ेगा, इस माइक्रोमीटर का यूज करना पड़ेगा। इसका जो यूज है, छोटे इंडस्ट्री से लेके बड़ी इंडस्ट्री तक, छोटे छोटे वर्कशॉप जो होते हैं जहाँ पे खराब मशीनें लगी होती हैं और जहाँ पे सीएनसी के काम होते हैं, खास करके आपको यहाँ पे इन चीज़ों को देखने को मिलेगा। लगभग हर फैक्ट्री में आपको माइक्रोमीटर का यूज मिलेगा, चाहे वो छोटी फैक्ट्री हो या बड़ी फैक्ट्री हो, हर फैक्ट्री में आपको इसका यूज मिलेगा। आप एमएनसी कंपनी में चले जाओ, यहाँ पे उसका यूज होगा, और आप एक छोटे से वर्कशॉप में चले जाओ, वहाँ पर भी इसका यूज होता है। मतलब इसका यूज हर जगह पे होता है, बैरिंग साइज बनाने के लिए, पिन बनाने के लिए, सापड़ बनाने के लिए। अगर आपको एक पुरेट बनाना है तो आपको माइक्रोमीटर से बनाना पड़ेगा। तो दोस्तों, इसे आप सीखिए। आप आईटीआई कर रहे हो, डिप्लोमा कर रहे हो, या सीएनसी सीख रहे हो, आप या लेथ मशीन सीख रहे हो, तो आपको इसका सीखना बहुत जरूरी है। तो आइए हम जानते हैं, 1 इंच में होता है 25.4 mm। 1 इंच, 1 इंच बराबर 25.4 mm। 1 इंच में 25.4 mm होते हैं, और 1 mm बराबर 1000 माइक्रोन। 1 mm बराबर 1000 माइक्रोन। 0.1 में कितने माइक्रोन होते हैं? 0.1 में बराबर 100 माइक्रोन, 100 माइक्रोन। और 0.01, 0.01, 0.01 बराबर 10 माइक्रोन। आप समझो, इसे 1 इंच में 25.4 mm होते हैं, और 1 mm में 1000 माइक्रोन, 1 mm में 1000 माइक्रोन, और 0.01 0.1 में होते हैं 100 माइक्रोन, 0.01 में होते हैं 10 माइक्रोन। जो हमारा इसमें का लाइन होता है, एक लाइन में होते हैं 10 माइक्रोन। अब देखो, यहां पे ये मेरा गेज है, ये मेरा मास्टरपीस है। माइक्रोमीटर को चेक करने के लिए ये मास्टरपीस होता है, माइक्रोमीटर को चेक करने के लिए ये होता है मास्टरपीस। ये हमारा है मास्टरपीस, ये है 25 mm का, 25 mm का ये मास्टरपीस है। देखो, ये हमारा मास्टरपीस, हमने इसे निकाल दिया, ये मास्टरपीस हमने इसे निकाल दिया, हमने मास्टरपीस निकाल दिया। अब हम आते हैं नीचे की तरफ से, जो हमारा 0.01 है, तो ये हमारा 25 mm हो गया। ये देखो, ये 25 mm हो गया। अगर हम एक लाइन इसको घुमा रहे हो अपनी तरफ, ये एक लाइन, हमने एक लाइन अपनी तरफ घुमाया, ये हो गया हमारा 10 माइक्रोन। आप बोर्ड पे देखो, ये हो गया हमारा 10 माइक्रोन। देखो, 0.01, ये हो गया हमारा 10 माइक्रोन। मतलब 25 से 10 माइक्रोन हमारा ज़्यादा है, 25.01 हमें लिखना होगा। तो कैसे लिखेंगे हम? हम लिखेंगे इसे 25.01। 25 पे हमने गेज सेट कर दिया था, ये था हमारा 25। ये 25 से लेके 50 तक का माइक्रोमीटर है, और एक लाइन हमने इसको अपनी तरफ लिया, ये हो गया 25.01। 01 मतलब 10 माइक्रोन, 25.02 20 माइक्रोन, 25.1 यहाँ आ गया। देखो, 25.1 बोर्ड पे देखो आप, हम लिखा है 0.1, ये हो गया हमारा 100 माइक्रोन। अब हमें करना है 26 mm, तो हम क्या करेंगे, 26 mm करना है, तो जो हमारा जीरो है, ये जीरो, इससे हम पूरा चक्कर घुमाएंगे, एक चक्कर,
ये हमारा देखो एक चक्कर आ गया, घूम गया एक चक्कर, तो ये हो गया हमारा 25.5, 25.5। फिर दोबारा चक्कर बना घुमाएंगे, अब ये आ गया 26 mm। मतलब अगर हमारा दो चक्कर घूमेगा जीरो का, जो हमारा जीरो का चक्कर है इस लाइन पे, जो बीच वाली क्रॉस लाइन है इस पे लाके अगर मैच हो रहा है जो खड़ी लाइन है बीच की, तो हमारा एक चक्कर में आधा mm होता है और डबल चक्कर में 1 mm होता है। तो हम इसे करते हैं 1 mm, और 1 inch में 25.4 mm होता है। अब मैं बता रहा हूँ आपको कि अगर आपको किसी ने कर दिया 25.06 मतलब 25.06 जो है ये 60 μm हो गया, 25.06 ये 60 μm हो गया। ये हमें माइक्रोमीटर में सेट करके दिखाओ आपको, आप कैसे सेट करोगे? हम सेट करेंगे, ये मेरा माइक्रोमीटर है, मैं गेज ले लूं, ये मेरा गेज है, ये देखो जो हमने आपको गेज बताया था, ये हमारा गेज है, ये हमारा गेज है, देखो 25 mm का ये हमारा गेज है, हमारा ये 25 पे पूरा सेट हो गया। अब मैं इस गेज को निकाल रहा हूँ, मैं इस गेज को निकाल रहा हूँ, हमने गेज को निकाल दिया, हमने क्या बोर्ड पे देखो आप, हमने क्या दिया है 25.06। तो हम यहाँ पे कैसे देखेंगे, ये हमारा 25 का सेट है, गेज हमारा है, तो 25.06 कितना होता है 60 μ, 10 μ, 20 μ, 30 μ, 40 μ, 50 μ, और ये 60 μ। देखो छठवें लाइन पे ये हमें यहाँ पे मैच करना है, तो हम उसे दिखाएंगे 25.06, 25.06, 25.06 ये मेरा साइज आ गया। अब हमें निकालना है 25.7, 25.7 माइक्रोमीटर में कैसे सेट करेंगे, 25.7। फिर हम क्या करेंगे, सबसे अच्छा तरीका है कि आप मास्टरपीस को लो, मास्टरपीस को आप लो और उसको सेट करो, ये सेट करने का तरीका है मास्टरपीस। अगर आपका मान लो मास्टरपीस आपने लगाया और आपका यहाँ पे दो पे ही आपका टाइट हो जा रहा है, टाइट नहीं थोड़ा ढीला है हमारा, अभी हमारा टाइट हो रहा है, अगर दो पे ही आपका ढीला सही हो रहा जा रहा है, दो पे आपका रुक जा रहा है, तो आपका माइक्रोमीटर सही नहीं है। उसके लिए आपको माइक्रोमीटर को सेट करना पड़ता है। सेट कैसे करना पड़ता है, यहाँ पे देखो, देखो ढीला था हमारा, ये गिर गया हमारा मास्टरपीस, यहाँ पे चाबी लगती है, अब देखो यहाँ पे इस जगह पे यहाँ पे चाबी लगती है, ये चाबी लगा के हम यहाँ से इसको सेट करते हैं, जिसकी रीडिंग है इसको हम सही कर लेते हैं। तो माइक्रोमीटर को सबसे पहले चलाने के पहले आपको गेज से सेट करना होता है कि माइक्रोमीटर हमारा सही है कि नहीं सही है। अगर गेज पे प्रॉपर हमारा बैठ रहा है, पूरा 0-0 आ रहा साइज, जैसे ये है गेज पे पूरा 0-0 साइज आ रहा है, तो माइक्रोमीटर हमारा सही है, नहीं तो इसे हम सही करते हैं। अब हमें लाना है 25.7, ये हमारा 25 का गेज है, हमें लाना है 25.7। तो हम क्या करेंगे, देखो अगर मैं एक चक्कर घुमाता हूँ तो 0.5 होता है, तो हम क्या करेंगे, एक चक्कर घुमाएंगे अपनी तरफ, एक चक्कर, ये देखो ये हो गया 25.5, हमें करना है सेट 25.7 पे, 5 हो गया तो ये हो गया 0.1 और ये हो गया 0.2, तो ये हो गया 0.2। आपका एक चक्कर 0-0 मैच करके आया है, तो आपका हो गया आधा mm और 2.1, ये हो गया आपका 25.7, ये हमारा हो गया 25.7। अब हमें करना है 30.2 पे हमें माइक्रोमीटर सेट करना है, तो हम कैसे करेंगे, ये मेरा माइक्रोमीटर है, हम क्या करेंगे इसको सेट कर लेंगे 25 पे। सबसे पहले हमने क्या किया, इसको 25 पे सेट कर लिया, हमने इसे
25 पे सेट कर लिया। अब मैं क्या करूँगा, इसको निकाल दूंगा, इसको मैं निकाल दूंगा। हमारा बोर्ड पे आप देखो, बोर्ड पे आप देखो, बोर्ड पे कितना लिखा है 30.2। तो इसको मैं 10 चक्कर घुमाऊंगा तभी होगा आपका 5 mm, मतलब 25 mm पे हमारा सेट है, 10 चक्कर घुमाऊंगा तो होगा 5 mm। तो हम इसको घुमाएंगे, एक दो तीन चार पाँच, ये 5 हो गया, ये 6 7, ये 7 हो गया, ये 8 हो गया, ये 9 हो गया और ये 10 हो गया। 10 हमें करना है 30.2, 0.1, 0.2, ये हो गया हमारा 30.2। आप ऊपर देखो, ऊपर की लाइन जो यहाँ पे है, आप ऊपर की लाइन देखो जो यहाँ से ये क्रॉस है, ये क्रॉस है, आप ऊपर देखो जो हमारा एक क्रॉस है, ये क्रॉस है, इसको ऊपर में 1 2 3 4 5, 5 लाइन ऊपर दिखा रहा है। तो ये आ गया हमारा 30.2। तो दोस्तों इस तरह से हम इसको माइक्रोमीटर को देखते हैं। सबसे पहले क्या करोगे आप, सबसे पहले आप क्या करोगे, इसको आप सेट कर लोगे। जब भी कोई साइज आपको देखना है, मान लो आपको 25 से लेके 50 के बीच में कोई साइज देखना है, 25 से लेके, क्योंकि हमारा माइक्रोमीटर है 25 से लेके 50 तक का, कई छोटे माइक्रोमीटर होते हैं, बड़े माइक्रोमीटर होते हैं 0 से 25, ये माइक्रोमीटर है 25 से 50 तक का। तो जब भी आपको कोई साइज नापना हो तो सबसे पहले आप क्या करो, इसको सेट करो, सबसे पहले आप इसको सेट करो। जब आपने सेट कर दिया उसके बाद से आप एक एक चक्कर घुमाते जाओ। अगर 1 mm खोलना है आपको, 31 करना है, 26 mm करना है साइज आपको, तो आप एक घुमा दो, एक चक्कर ये हो गया 25.5 हो गया और ये हो गया आपका 26 mm, 2 चक्कर हो गया। तो इसमें मिस्टेक भी होता है कि अगर आपको सही तरह से देखने नहीं आया तो मिस्टेक होता है, तो इसको आप प्रॉपर देखना सीखो। एक बार दोबारा से बता दूँ आपको मैं, ये हमारा 25 पे सेट है, हमने क्या किया, निकाल दिया मास्टरपीस को हमने निकाल दिया। मैंने एक लाइन घुमाया, ये हो गया हमारा 10 माइक्रोन, 2 लाइन घुमाया 20 माइक्रोन, 3 लाइन 30 माइक्रोन, 4 लाइन घुमाया 40 माइक्रोन, 5 लाइन 50 माइक्रोन, ये हो गया आपका 0.5, 25.05 मतलब 50 माइक्रोन, 25.1 मतलब 25 से 100 माइक्रोन ज़्यादा, 25.1, 25.15, 25.2, 25.3, 25.4, 25.5, मतलब ये हो गया आपका 25.5 mm, 25.6, 25.7, 25.8, 25.9, 26.0, ये हो गया आपका 26 mm। आप चीज़ों ही समझो को कि जब आपका पूरा ये जो लाइनिंग है, एक चक्कर घूमता, देखो आप यहाँ पे मैच हो गया 0.0, हमारा यहाँ पे मैच है पूरा। अगर एक चक्कर घुमाता हूँ मैं, देखो एक चक्कर घुमा रहा हूँ मैं, तो ये हो गया आपका 0.5 mm, 2 चक्कर में आपका हो गया ये 1 mm। तो आपका 2 चक्कर घूमेगा तब 1 mm घूम गया। जब मैं लाइन घुमाता हूँ तो ये एक लाइन होता है 10 माइक्रोन का, यहाँ से एक लाइन ये होता है 10 माइक्रोन का, ये 5 लाइन घुमा 50 माइक्रोन, 10 लाइन घुमा 10 माइक्रोन, 10 माइक्रोन मतलब ये 0.1 हो गया, जो 0.1 में 100 माइक्रोन होते हैं, ये हो गया 0.2, 0.3, 0.4, 0.5। तो दोस्तों इस तरह से माइक्रोमीटर देखते हैं, आप इसे देखना सीखो, हर इंडस्ट्री में इसका यूज होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।